सर आज पीयूष गोयल जी से मिले थे, क्या क्या इशू था? मुद्दा हमारी तरफ से तो वही था कि भाई जो महंगे पावर परचेज एग्रीमेंट्स हैं उनको सरेंडर कराया जाए, पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। लगता नहीं है कि सहयोग किया जाएगा दिल्ली से। लगता है मुझे तो बार बार, मैंने तो कहा भी है कि जैसे आप सोनिया जी को कहते हैं ना कि सोनिया जी से आधार का बदला ले रही है और लोकसभा को चलने नहीं दे रही, तो मैंने तो उनको मीटिंग में कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है आप भी हमसे बदला ले रहे हैं, अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं, दिल्ली से बदला ले रहे हैं। दिल्ली की जनता ने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया जो दिल्ली से बदला ले रहे हैं। और क्या फिर एक डेढ़ घंटे की मीटिंग का आउटकम क्या माना जाएगा? आउटकम तो हर चीज़ के लिए ज़्यादातर यही कहा गया कि जी ये नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। हमने काफ़ी सहयोग मांगने की कोशिश की है पर लग नहीं रहा। क्या क्या सर मुद्दे थे वैसे, एजेंडा क्या था? एजेंडा था कि भाई एक तो ये कह रहे थे कि दिल्ली के अंदर पावर सिचुएशन के बारे में, पावर सिचुएशन तो देखो गर्मी आ चुकी है, हम रेगुलरली रिव्यू कर रहे हैं और दिल्ली के लिए पावर का हमने ठीक से इंजाम किया हुआ है। लॉन्ग टर्म के बारे में बात हुई कि लॉन्ग टर्म की प्लानिंग के बारे में बात हुई, वो ठीक है, उसमें देयर इज नो मेजर इशू। पर जहाँ तक है सबसे जो कंटीजियस इशू है वो पावर परचेज एग्रीमेंट्स का है, क्योंकि दिल्ली सरकार को बहुत महंगी पावर दी जा रही है बाकी स्टेट्स के मुकाबले में। हमने इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया और परंतु कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला इसके बारे में। वो कह रहे हैं नॉन कमिटल है, लेकिन जैसा कि वो खुद ही कह रहे हैं आपके सामने, उन्होंने कहा कि चूँकि ये सरकार का एग्रीमेंट है इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, तो क्या देखिए जितने भी एग्रीमेंट हैं ये सारे एक्सटेंडेड एग्रीमेंट्स हैं। 25 साल खत्म होने के जब प्लांट्स की लाइफ भी खत्म होगी उसके बाद एक्सटेंड किए गए 2012 में, हमारी सरकार बनने से पहले की बात है, परंतु उस टाइम पर एक्सटेंड कर दिए गए और यूनिलेटरली एक्सटेंड कर दिए गए, तो इसको वापस भी कर लेने चाहिए। इसमें क्या दिक्कत? बिजली कंपनियों को भी बुलाया गया था। हाँ कंपनियों को, क्या उसके पीछे क्या वजह थी? उनसे बस मैंने पूछा था आपकी तैयारी ठीक है, तो आप तैयार हैं ना? हम तो तैयार हैं, परंतु बिजली वापस लेने के लिए केंद्र को तैयार होना पड़ेगा ना। अगर ये महंगी बिजली दिल्ली की वापस ले लेते दिल्ली की जनता को काफ़ी सस्ती बिजली मिल सकती है, और दिल्ली के अंदर जो बिजली परचेज की जा रही है पूरे देश में सबसे महंगी बिजली हम खरीद रहे हैं, तो ये बहुत हमारे साथ जाती हो रही है। दिल्ली के साथ केंद्र सरकार को थोड़ा सा आसान मतलब, तो मतलब शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट आप चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि कुछ भी एग्रीमेंट नहीं चाहते, हम कहते हैं हमारी जो महंगी बिजली है वो सरेंडर करा दो बस काम, बाकी हम सस्ती बिजली दिल्ली को देते हैं। लेकिन कोई बात बनी नहीं अभी तो, लग नहीं रहा। जिस तरह से पहले फर्स्ट मीटिंग में उन्होंने मुझसे कहा था कि आप जितनी मर्जी वापस दे दीजिएगा, अब जब हमने वापस लिखित में दे दिया कि वापस करने तैयार हैं, तो कहते हैं भैया दिल्ली में तो बिजली कमी हो जाएगी, मैंने कहा चिंता मत करिए हम अपने आप इंतजाम कर लेंगे, तो अब वो मना। ठीक है, थैंक यू।